أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم ضرور امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو اپنے سروں کے بالوں کو مڑواتے ہوئے اور کترواتے ہوئے کسی سے ڈرتے نہ ہو گئے تو اس نے وہ چیزیں جان لی جنہیں تم نہیں جانتے تو اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح عطا کر دی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ تعالی کافی ہے گواہی دینے والے کے اعتبار سے سورۃ الفتح کی دو آیتیں 27 اور 28 کا ترجمہ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی تو وہ بڑے خوش ہوئے اور پھر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہو گئے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پھر آگے مشرکین کی طرف سے رکاوٹ پیدا ہوئی اور ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے تو خواب تو سچائی ہوگا لیکن خواب کے برعکس معاملہ پیش آ رہا ہے روکے جانے کا تو یہ بات بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے باعث تشویش ہے یہ خواب تو دیکھا گیا لیکن اس کی تعبیر سامنے نہیں آئی تو صلح سے فراغت ہو گئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے کہہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کہا کہ بالکل ہوں کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے رسول اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہا کہ پھر ذلت کے ساتھ صلح کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی کیوں کر رہے ہیں جب ہم حق پر ہیں تو حق پر ڈٹ کر
मजबूती के साथ अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल, यानी मैं कोई काम कर रहा तो यूं ही नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह ताला के इशारे और हुक्म पर कर रहा हूं। तुम मेरी इस हैसियत को समझो और आगे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। यह सही बुखारी की रिवायत है और रिवायत में तफसील और भी है कि फिर भी तसल्ली नहीं हुई। कहने लगे कि आपने तो खबर दी थी कि हम उमरा करेंगे, तो उमरा कहां कर रहे हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने ये कहा था कि इसी साल करेंगे, मैंने कहा था करेंगे। तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी और कहा कि अल्लाह ने जो ख्वाब दिखाया वो ख्वाब झूठा नहीं होने वाला है, अल्लाह ने सच्चा ख्वाब दिखाया है और ख्वाब जो देखा जाता है दिखाया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी ताबीर फौरी तौर पर हासिल हो जाए। तो उसकी बहुत वादे मिसाल और साफ मिसाल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की है। ख्वाब देखा, 11 सितारे, सूरज है, चांद है, सबके सब उनको सजदा कर रहे हैं। तो ये ख्वाब था, लेकिन ये जो ख्वाब है उसकी ताबीर कब जाहिर हुई? तो लंबा अरसा है, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, बेच दिया गया मिस्र के बाजार में, अजीज मिस्र ने खरीदा, उनके यहाँ उसके यहाँ रहे पले बड़े, पुख्तगी और जवानी की उम्र को पहुंचे, फिर फरिश्तगी और इश्क का मामला सामने आया। इसकी बुनियाद पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया और यहाँ कम अज कम 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 9 साल रहे और फिर 7 साल यानी ख्वाब जो देखा बादशाह ने मिस्र के, तो 7 साल तक खूब पैदावार करोगे और फिर 7 साल तक खुश्की आएगी, कदसाली आएगी, फिर उसके बाद फिर फरावानी का और खुशहाली का साल आएगा। तो ये सब कुछ होने के बाद का मामला है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे खानदान के साथ मिस्र आ रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत पर। तो जब सब आ गए तो सब ने सजदा किया ताजीम के तौर पर। तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तअवील रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, मेरे ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने इसको सच कर दिखाया। तो एक लंबा अरसा गुजरा है ख्वाब देखने के बाद, जब उसकी ताबीर आई है तो ताबीर आने में देर हो सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, लेकिन उसमें ये नहीं बतलाया गया था कि कब देखना जाना है और कब इसकी ताबीर होगी। लेकिन नबी का ख्वाब चूंकि वही होता है और शौक तो बहरहाल है ही, खाने काबा की जियारत का, उमरे का साल है, साल गुजर गए, तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की फौरी तौर पर और रवाना हो गए। लेकिन वहां रुकावट पैदा हुई, अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो यकीनी बात है कि तुम करोगे, अल्लाह ने जो ख्वाब दिखाया वो झूठा ख्वाब नहीं है। कहा इंशाअल्लाह करोगे अगर अल्लाह ने चाहा। तो अब एक सवाल यहां ये उठाया उलमा ने कि जो यकीनी बात है उसके साथ इंशाअल्लाह किधर से, इंशाअल्लाह कब कहते हैं जबकि होने और नहीं होने के सिलसिले में शक हो, तो फिर इसकी क्या जरूरत, और कहने वाला भी कौन है? अल्लाह ताला। तो उसको इंशाअल्लाह कहने की क्या जरूरत है? तो ये सवाल उठाया गया, जवाब इसका ये दिया गया एक कि ये यकीन दिलाने ही के लिए है, मजीद ये तारीख के लिए नहीं, ये नहीं तारीख के लिए। उसकी एक मिसाल इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मिलती है कि तातारियों के मुकाबले के मौके पर उन्होंने मुसलमानों को खुशखबरी दी कि तुम कामयाब हो गए, और फिर कहा कि इंशाअल्लाह, और कहा कि तहकीक़ल्ला तालीका,
ये जो इंशाअल्लाह कह रहा हूं ना, तहकीक यानी यकीनी बुनियाद पर कह रहा हूं, तालीक की बुनियाद पर नहीं, पक्का यकीन है इस बुनियाद पर। तो यकीन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए भी इंशाअल्लाह कहा जाता है। एक बात यह कही गई है, दूसरी बात इस सिलसिले में यह कही गई कि ये तालीम देने के लिए, कि जब भी इस किस्म का मौका हो तो मामले को आप अल्लाह के हवाले करो। ला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ। हरगिज ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज के सिलसिले में कि मैं उसको करने वाला हूं कल, मगर साथ में क्या है, इंशाअल्लाह भी कह दीजिए इंशाअल्लाह, ताकि मामला किसके हवाले हो जाए, अल्लाह के हवाले, हमारे हवाले नहीं, तुम्हारे हवाले नहीं। तो ये लोगों को तालीम देने के लिए है। तो बहरहाल और भी तवज्जीह आते, लेकिन ये दो मोटी बातें काफी है ताकि अमन के साथ जाओगे, फिर कोई छेड़ने वाला, कोई लड़ने वाला नहीं होगा। मुहल्लिकीन और रुसकुम, सरों के बालों को मूडोगे, और मुकस्सिरीन और कतरोगे भी, तो दोनों में से कोई एक करोगे। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम मग़फिरिल मुहल्लिकीन, या अल्लाहुम अरहमिल मुहल्लिकीन, अल्लाहुम मग़फिरिल मुहल्लिकीन, अल्लाह बालों को मुड़ने वालों को बख्श दे। तो सहाबा ने कहा, वलिल मुकस्सिरीन या रसूल अल्लाह, कतरने वालों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फिर फरमाया, अल्लाहुम अग़फिर लिल मुहल्लिकीन। सहाबा ने फिर कहा कि लिल मुकस्सिरीन। तो दो मरतबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकस्सिरीन के लिए दुआ की, मुहल्लिकीन के लिए मुड़ने वालों के लिए, और तीसरी मरतबा फिर कहा वलिल मुकस्सिरीन। तो इससे ये बात मालूम होती है कि है तो दोनों, दोनों में से किसी एक को इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अफवल क्या है, तहलीक है, तहलीक यानी मूड़ देना, बाल को मुकम्मल तौर पर निकाल देना। और एक बात जब आ गई है तो इसको कह के बात खत्म करेंगे कि ये जो बालों को मूड़ना है ना, तो इबादत के तौर पर इसको इख्तियार करना ये सिर्फ हज और उम्रे के मौके पर ही मशरू है। बहुत सारे लोग वो हैं जो इसको कुर्बानी के तौर पर लेते हैं यहां दूसरी जगहों पर भी, और कुर्बानी के मौके पर बालों को निकाल कर कुर्बानी देते हैं। तो बालों को निकाल कर कुर्बानी देने की कोई बात शरीयत में नहीं है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को टटोल कर देखेंगे तो जो बात हमारे सामने आती है वो ये कि आपने हज और उमरे के अलावा कभी और जिंदगी में सर के पूरे बाल नहीं निकाले, कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये जीनत है, अगर जरूरत है तो ठीक है निकालिए, लेकिन इबादत के तौर पर नहीं कि इसके जरिए हम इबादत कर रहे हैं, तो इसका कोई सबूत नहीं है, ये इबादत नहीं होगी बल्कि बिदअत होगी। बिदअत अगर सवाब समझ के काम कर रहे हैं तो अल्लाह ने कहा कि ला तखाफून, तुम डरोगे नहीं, फअली बिमा लम तअलम, तो अल्लाह ने वो चीजें जान ली जो जिनका इल्म तुम्हें नहीं था, तुमको नहीं है। तो निकले, इरादा क्या था, बातें क्या पेश आई, और उस बात से कितनी बातें तुमको हासिल हो गई, तफसीलात सारी हमारे सामने आ गई है। और फिर अल्लाह ने कहा कि इसके नज़दीकी तुमको अल्लाह ने करीबी फतेह से नवाज दिया, तो खैबर भी फतेह हो गया और मक्का को भी तुमने फतेह कर लिया। ये सब किसने करवाया, अल्लाह ने, और किसके जरिए से करवाया, तो इसहाब की बुनियाद पर। तो पहले साल अगर तुमको मौका नहीं मिल पाया तो ठीक है, तकलीफ की बात थी जाहरी तौर पर तुम्हारे लिए, लेकिन इस तकलीफ के साथ अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत सारी आसानियां और नेमतें फराहम कर दी। तो हमारे सामने बात आ गई कि खैबर जब फतेह हो गया तो अब्दुल्ला बिन उमर या हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम तो उस वक्त तक पेट भरकर नहीं खा सके थे खजूर जब तक कि खैबर फतेह नहीं हो गया था, और सूरत हाल ये पैदा हो गई खुशहाली के एतबार से कि मुहाजरीन को जो कुछ दिया गया था अनसार की तरफ से भाईचारगी की बुनियाद सर वापस कर दिया गया, अब जरूरत नहीं रह गई। तो जाहिरन तकलीफ, लेकिन बातिनन बहुत सारी भलाइयां थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात कह के बात खत्म कर रहा हूं कि मैंने मुखालफत में खड़ा कर लिया था, सवाल कर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेकिन बाद में वादे हुआ कि हमारी अकलें वही का मुकाबला नहीं कर सकती,
नहीं, तो इसलिए बाद में मैंने बहुत सारे अमाल किए अच्छे, इसलिए ताकि ये जो गुस्ताखी पर मबनी रवैया इख्तियार किया मैंने उसकी तलाफी हो जाए और उसके लिए मेरी माफी हो जाए। तो जाहरी हालात कुछ और होते और बातनी कुछ और होते, रब के फैसले पर बहरहाल राजी रहने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ की बातों को समझने इस काम रहने की तौफीक मत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।